Assalamu alaikum and welcome back to my channel. Kaise hain aap sab? I hope aap sab khairiyat se honge, theek thaak honge. Bahut si dua hai ke lagzat aap sabko apne zaman mein rakhe, apni panah mein rakhe, aapko, aapke pyaron ko, sabko apni panah mein rakhe. Aur sab jo hai wo aajkal situation hi aisi ja rahi hai, puri duniya jo hai ek waba ke pet mein hai, jaise aapko maloom hi hai. To aisi surat mein duaon ki bahut zyada zarurat hai, to bas safar ki bahut zyada zarurat hai. Aur Allah Taala ki zaat jo ye mushkil ghadi hai, ye mushkil waqt hai, ye aasmaish jo aayi hui hai, isme se humko nikale, hame Allah ki zaat sabit kadam rakhe, istiqamat ata farmaye. Aur umeed hai inshaAllah Taala ye jo mushkil waqt bhi hai zarur jald hi guzar jayega. Aur ye subah maine breakfast karne ke baad maine kaha chale thodi bahut jo hai grocery karte hain. Aur mausam aapne dekha kitna zabardast, kitna pyara hai, kitni achhi dhoop nikli hui, lekin isme ek fiza mein ajeeb si khamoshi hai, udaasi hai. रीज़न ऑब्वियसली सभी घरों में जो है बाउंड हो चुके हैं और यहाँ पे पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई है और स्पेशली कुछ कंट्रीज़ में तो कुछ ज़्यादा ही है. और अगर मैं जर्मनी की बात करूँ तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है और तकरीबन एक वीक हो गई यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है. और ये भी आप देख रहे हैं स्पिल्टर्स है, लाइक प्ले ग्राउंड, इसको भी जो है वो सील कर दिया गया है. और जितने भी प्ले ग्राउंड्स वगैरह हैं सारे जो है वो पूरे जर्मनी में सील कर दिए गए हैं. और इस तरीके से जो है यहाँ पे एक माहौल बना हुआ है और देखिए कितनी खामोशी है. आप बाहर आए, आपको कोई जो है वो बगैर रीज़न के इंसान कोई नज़र नहीं आएगा. और सभी जो है वो स्ट्रेस में है, एक खौफ की कैफियत में है और अपने घरों में बाउंड हुए हुए हैं. और बाकी अगर मैं अपने बच्चों की बात करूँ तो ऑब्वियसली डेली उनका बाहर जाना होता था और लाइक प्ले ग्राउंड वगैरह में लास्ट में उनको लेके जाते थे. लेकिन अभी इस वजह से ये है कि ऑब्वियसली स्टे एट होम जो है ऑब्वियसली उस पर अमल किया जा रहा है. बिकॉज इफ़ वी वॉन्ट टू स्टे हैप्पी एंड हेल्दी देन वी मस्ट स्टे एट होम. सो इस चीज़ को देखते हुए बच्चों को भी थोड़ा बाउंड किया हुआ है. और बस अब ये मैं यहाँ पे स्टोर में आ चुकी हूँ और स्टोर की सिचुएशन भी आप ज़रूर साथ साथ देखिएगा. बाकी यहाँ पे था जब लास्ट वीक यहाँ पे लाइक लोगों को एक अवेयर हो गए लोग के भैया मसला जो है वो यहाँ पे बनने वाला है या सिचुएशन ऐसी होने वाली है, तो लोगों ने क्या किया कि बहुत ज़्यादा जो है इम्पेशंस हो गए कि पता नहीं खाने का जो है वो शॉर्टेज हो जाएगा या क्या सिचुएशन बन जाएगी. तो लोगों ने जो है वो ज़ाहिरा अंदाज़ी शुरू कर दी, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लिए फूड वगैरह सब कुछ. लेकिन मुझे हैरत इस चीज़ पे हुई जो यहाँ पे टिश्यू पेपर्स और गायब हुए ना, तो आई मस्ट से टिश्यू पेपर तो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग, यही मुझे कहना चाहिए. और मुझे इस चीज़ पर काफ़ी मैं सरप्राइज़ भी हुई कि लाइक शायद टिश्यू पेपर ही ओढ़ना बिछोना खाना पीना सभी इनका होगा इस टाइम पीरियड में. सो आई वॉज अमेज्ड, मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई. इसके अलावा जो मैदा है, आल पर्पज़ फ्लावर, वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं था. तो ये दो चीज़ें यहाँ पे नहीं थी. इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह फूड की कोई मुझे शॉर्टेज वगैरह देखने में नहीं आई, बाकी हर चीज़ अवेलेबल थी. और तो बहुत ही ज़्यादा आई थिंक ये इनसेन हो अगर आप इस तरीके से जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू करते हैं. सभी का ख्याल रखना चाहिए. ऑब्वियसली एक बंदे घर भर लेगा तो बाकी जो है वो किधर जाएंगे. और हमारा जो प्रेजिडेंट है उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि आप बस अपना बेसिक नीड्स का ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला फूड का जो शॉर्टेज वगैरह वो नहीं होगा. और बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो, बहुत ज़्यादा इम्पेशंस ना हो, तो इस चीज़ पर ज़रूर आप लोग अमल करें. और बाकी अब देख रहे हैं यहाँ पे फूड वगैरह सारा कुछ उसी तरीके से है, लेकिन ये रश नहीं है. बाकी ये स्टोर इतना रशी और बिज़ी होता है आम डेज़ में, लेकिन आज बिल्कुल भी रश नहीं है. सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन कोई यहाँ पे मुझे आज उस तरीके से आप भी देख रहे हैं रश नहीं है, कोई यहाँ पे लेने के लिए कोई यहाँ पे मौजूद ही नहीं है कस्टमर्स वगैरह उस तरीके से. ये देखें टिशू रोल्स का जो रैक था ये बिल्कुल खाली हो चुका है. और सभी तरह ये सिचुएशन में बाकी सब तरह भी जो है वो यही सूरत हाल पैदा होगी. और यहाँ पर भी तकरीबन जर्मनी में लास्ट वन वीक से ऐसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई हुई है. सिर्फ जो बेसिक हेल्थ केयर सेंटर्स हैं या फार्मेसीज हैं वो ओपन हैं, और इसके अलावा जो पुलिस स्टेशन हैं या फाइबर गेट के हैं, और इसके अलावा पोस्ट ऑफिस जस्ट वो ओपन है. बाकी ये जो बेसिक ग्रोसरी स्टोर्स हैं, इसके अलावा बाकी कपड़ों के, जूतों के या दूसरे जो आइटम्स हैं जो हमारे बेसिक ज़िंदा रहने की नीड्स हैं उनमें नहीं आते, तो वो चीज़ें सारी जो हैं बंद हो चुकी हैं.
और ये अभी आपको दिखा रही हूँ मैं सारा कुछ, और बाकी लाइफ जो है उस तरीके से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, ज़ाहिर सभी तरफ ये सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, तो हालात उस तरीके से नॉर्मल नहीं है, लेकिन आई होप इंशाल्लाह ताला हालात जो है वो जल्द ही नॉर्मल हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वी मस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड ये नहीं कहूँगी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अल्लाह ताला के साथ खैर वाफियत रखे, हर तरफ सबको अपने सामान में रखे, बाप यही दुआ है। बस ये है कि कुछ लोग इसको जितने वो उतनी बातें हैं, सो कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं, बस ये है कि एक अल्लाह सुब्हानहू ताला के साथ पे भरोसा रखें, अपनी सेहत सफाई का ख्याल रखें, और जब घर से बाहर जाएँ तो जितनी भी प्रिकॉशंस हैं उन पर ज़रूर अमल करें, और बाकी घर में आके जो हैंड वॉश वगैरह करें, और इसके अलावा मतलब लाइक जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनकी तरफ से बताया जा रहा है, एक मीडिया जो इसमें अहम रोल प्ले कर रहा है, और काफ़ी लोगों को जो है वो अवेयरनेस दी जा रही है कि किस तरीके से जो है सर्वाइव करना है, किस तरीके से रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना, तो ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सेहत का मामला है। सो अगर एक बंदा ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा तो ऑब्वियसली वो आगे से अपनी पूरी फैमिली को इफ़ेक्ट करेगा, फिर आगे से 10 बंदे को करेगा, 10 जो है वो 100 को करेंगे, 100 जो है वो 1000 को करेंगे। सो इस वजह से सबको अपनी अपनी जगह जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, और इसको बिल्कुल नॉन सीरियस ना लें। जैसे मैं देखी थी पाकिस्तान में, अब जैसे पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ देखी मुझे बहुत अफसोस हुआ कि लोग उस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं शो कर रहे, लोगों को गवर्नमेंट कह कह के थक गई, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो सभी कह कह के थक गए, इदारे वगैरह सभी बता रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, लेकिन अमल नहीं। तो यहाँ पे ये मेरी वापसी हुई, ग्रोसरी मैंने बेसिक बस आपने की देखा, जो थोड़ी बहुत मैंने ग्रोसरी की जो मुझे ज़रूरत थी वापसी होना, उसके बाद ये जो है मैं फ्रूट्स हैं इनको मैंने कट करके थोड़ा सा बनाया है, और ये भी बहुत अच्छा है, अपना खुराक जो है उसका ख्याल रखें, अच्छी खुराक रखें, खुराक में ज़्यादा प्रोटीन का इनटेक करें, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा लें, और ये चाट मसाला है ये मैं स्प्रिंकल करूँगी, और ये ज़रूर आप अगर फ्रूट्स आप वैसे नहीं खाना चाहते तो इस तरह से आप उसको छोटे से पीसीस में कट करके तो आप इस पर लेमन वगैरह जो स्प्रिंकल कर लें, चाट मसाला कर लें, हनी भी ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा शुगर सिरप ऐड कर सकते हैं, तो इस तरह से आप जो है वो थोड़ा आपको टेस्ट भी बेहतर लगेगा, और बाकी अगर आप फ्रूट लवर नहीं हैं तो इस तरीके से खाएँ तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा। यहाँ भी यहाँ पे ये स्कूल्स का भी है कि जहाँ पे जो 17 मार्च से लेके जो है यहाँ पे स्कूल्स वगैरह भी जो है उनको माफ़ कर दिया गया, और प्लेग्राउंड्स वगैरह प्ले ग्रुप्स वगैरह कीटर्स वगैरह सभी को यहाँ पे बंद कर दिया गया, यूनिवर्सिटी जितने भी तालीमी इदारे हैं सबको यहाँ पे बंद कर दिया गया, और ये जो है बच्चों को, मेरी ये बेटी हिस्ट्री क्लास में है तो इसको ये घर के लिए होमवर्क दे दिया गया जो अपना ये इन इस टाइम पीरियड में करें, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, जिस तरीके से वीकली इनकी टीचर ने इनको वीकली एक प्लान बना के दिया, और उसके बाद जो अलहदा से वर्कशीट्स वगैरह वो भी साथ ही स्टेपल कर दी, और जो वीकली प्लान था उसमें जो बुक्स से इन्होंने करना था उसका भी उसने मतलब टीचर ने बहुत अच्छे तरीके से उसको बताया, और काफ़ी मुझे अच्छा लगा ये देख के, और काफ़ी मैंने कहा ये अच्छी चीज़ है, और क्योंकि पाकिस्तान में इस तरीके से नहीं है, पाकिस्तान में तो जस्ट आप एक जो है वो शेड्यूल दे दिया जाएगा कि आपने करना है तो आपने ख़ुद उसको करना है, इस तरीके से प्रॉपर फाइल्स वगैरह का मैंने अपने टाइम पीरियड में ये चीज़ नहीं देखी, और जब मैं ख़ुद इस चीज़ में थी तो मैंने ये नहीं देखा कि हम टीचर्स ने कुछ ऐसा इस तरीके से किया, तो मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया लगा, प्लस मेरी एक कोलीग थी तो उनसे भी मुझे मैसेज आया कि आप मुझे बताएं कि वहाँ पर जर्मनी में बच्चों को जो है वो किस तरीके से मतलब अभी काम दिया गया है वर्क एट होम या किस तरीके से उनको किया गया है, तो ये मैंने उनके लिए भी वीडियो बनाई थी, मैंने कहा उनको मैं बता दूँ साथ वो भी देख लें, और तो मैंने कहा चले मैं बाकी इसको शेयर कर देती हूँ अपने ब्लॉग में भी, और इस तरीके से बच्चों को दिया गया है, और अब ये वीकली है कि बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि उसने क्या करना है, फिर आगे जो ब्लॉग्स बने हैं इसमें बच्चा खुद ही मैंशन कर देगा टिक मार्क कि उसने ये काम कर लिया है, और बाकी डेज़ के साथ जो है इसको डिवाइड किया गया, तो मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगा ये।
और बाकी ये है कि टीचर का जो है वो उसने तमाम पेरेंट्स के ईमेल एड्रेस वगैरह है उनके पास, सो उससे ईमेल वगैरह आ जाती है और बच्चे जो है उस तरीके से, ज़ाहिर है ख़ुद तो नहीं तो पेरेंट्स जो है ईमेल्स रीड कर देते हैं, बच्चों को उस तरीके से गाइड करते हैं और उस तरीके से काम जो है जारी है। और यहाँ भी ये देखें, मेरी छोटी बेटी, इसकी बुक प्रेजेंटेशन है मैटरनल लेवल, वो उस प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर ये जो कंपटीशन है बच्चों में, जैसे रीडिंग हैबिट्स जो हैं वो आजकल बिल्कुल ही कम होती जा रही हैं, जैसे एक इंटरनेट वगैरह का जो है वो ट्रेंड ज़्यादा उस तरफ चल पड़ा है और बुक्स की उस तरीके से वैल्यू नहीं रही जैसे एक होनी चाहिए। तो इसमें यह है कि ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये बेटी मेरी अभी है, ये एक प्ले कार्ड तैयार कर रही है और इसमें उसने सारा बुक का टाइटल मेंशन किया है और पिक्स वगैरह खुद ड्रॉ कर रही है, फिर बताना है कि इसके राइटर का और बेसिक जो पॉइंट्स हैं बुक के वो सामने रखे हुए हैं। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि बच्चे जो हैं ज़रा उनमें रीडिंग की एक हैबिट डेवलप होगी, एक उनमें इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो ये बाकी इसमें ये बुक का जो उसने रीडिंग करनी है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, कौन सा पेज है और उसमें क्या स्टोरी किस किस्म की है। और ये शाम का टाइम है जहाँ पर खाने की प्रेपरेशन हो रही है, खाने में बना रही हूँ जी। यहाँ पर पुलाव बन रहा है जी, इसमें चिकन चना पुलाव बन रहा है, तो ये मैं बना रही हूँ। और इसमें सबसे पहले प्याज लिया, ऑब्वियसली प्याज ही सबसे पहले लेंगे, और उसको मैंने जो है वो लाइट सा ब्राउन करना है, और बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन किया तो चावल से ज़्यादा काले हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डार्क सा हो जाएगा, जो मुझे तो नहीं पसंद लेकिन हर एक की अपनी चॉइस है। सो मैंने इसको इस तरीके से करके ये जो है इसको तड़का लगाया है, और इसके बाद जो है इसमें बाकी साथ साथ देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ। तो रहिए मेरे साथ। और ये भी इसके बाद जो है मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ, चिकन मैंने अच्छे से धो के उसको जो साफ़ करके चिकन मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। तो चिकन को भी जो मैंने हाई फ्लेम पे बहुत अच्छे से इसको फ्राई करना है, कि हाई फ्लेम पे फ्राई करने से ये होगा अच्छे से जो है वो फ्राई हो जाएगी, भून जाएगी और इसका जो कच्चापन है ख़त्म हो जाएगा। या बाकी इसके बाद इसमें ये मैं अदरक लहसुन और टमाटर में ऐड कर रही हूँ, ये बेसिक स्पाइसेस देख रही हैं, नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा और ये साथ इसके खुश धनिया है ये मैं ऐड कर रही हूँ। तो ये ऐड करने के बाद इसको अच्छे से भूनना है, तो इसकी बुनाई करनी है बहुत अच्छे से कि इसकी जो एक कच्चा पानी ख़त्म हो जाए, स्मेल और ख़त्म हो जाए। और इसको मैंने यखनी नहीं बनाई, तो ये इट्स अप टू यू, कुछ लोग यखनी आप लोग जो है वो लाइक करते हैं, कुछ लोग इस तरीके से जो है वो बगैर यखनी के आप चिकन जो फ्राई करके उसको बनाए तो वो लाइक करते हैं, तो हर एक की अपनी चॉइस है। वैसे मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ लेकिन आज मैं इस तरीके से बना रही हूँ। और ये देखिए इसका जो है मैं हाई फ्लेम पर इसको कुक कर रही हूँ, और इसको अच्छे से कुक करना है, जब इसका जो है वो पानी जो है वो चिकन का थोड़ा सा हो, तो उसके बाद ये जो है मैंने इसमें जो है चने ऐड कर दिए। चने जो है ना मैंने इनको मैंने बॉयल करके फ्रीज़ कर दिया था, तो ये मैंने फ्रीज़ जो है वो चने में यूज़ कर रही हूँ, फ्रोज़न हैं तो ये इनको मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये इनको डाल के भी अच्छे तरीके से मैंने भूनना है। इसके बाद मैंने जो चिकन पुलाव मसाला था वो मैंने ऐड किया है, तो ऐड करने के बाद जितना मुझे पानी रिक्वायर्ड है मैं उतना पानी इसमें ऐड किया है। तो वो पानी ऐड करने के बाद जो है वो चावलों का तो ज़ाहिर आपको पता ही है कि कितने चावल हैं कितना पानी ऐड करना है, तो उस तरीके से मैंने पानी ऐड किया है। और पानी ऐड करने के बाद ये मैंने जो है इसको बॉयल आया तो राइस ऐड किए थे, तो राइस ऐड करने के बाद अब इसको जो है ये पानी ज़रा ड्राई होगा तो फिर इसको मैं दम दे दूँगी, तो मैं हमारा मज़ेदार सा जो है वो चिकन चना पुलाव रेडी हो जाएगा, और फिर इंशाल्लाह ताला खाना सब होगा और सब इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे और खैर वाफ़ी से रहें। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नई व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।